हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे सेकंड चैप्टर आ मोस्ट फॉरगिविंग एप, जिसनों के एलन मूरहेड ने लिखा होया है, इस चैप्टर दे एंड दे विच दिते हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। यह वीडियो इस चैप्टर दी सीरीज दा साडा तीसरा वीडियो होएगा। स्टूडेंट्स, मैं इत्थे दसना चाहांगा कि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर दी कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन अते एनालिसिस डिस्कस कीती है, जिवें कि तुसी वीडियो दे विच देख पा रहे हो। मैं इस चैप्टर दे सारे टैक्सट नूं बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया है, एक एक टर्म नूं मैं एक्सप्लेन करन दी पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि तुसी ए वाले वीडियोज़ मेरे जरूर देखे होणगे। इस चैप्टर दे मैं टोटल एक्सप्लेनेशन दे दो वीडियोज़ बनाए ने। जेकर तुहाडे वीडियोज़ ये मिस होए ने तां मैं स्क्रीन दे टॉप राइट कॉर्नर दे उपर इन्हां दे लिंक प्रोवाइड कर रहा हाँ, तां कि तुसी इन्हां लिंक्स ते जाके क्वेश्चन आंसर समझन तो पहला इस चैप्टर दे टैक्स नूं चंगी तरह समझ लवो, तां ही सानूं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखण दा ज़्यादा फायदा होएगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर दे टैक्स दे एंड ते पेज नंबर 13 दे उपर पहला तां नोट्स दिते हन, जो कि आपां चैप्टर दी एक्सप्लेनेशन दे नाल नाल डिस्कस कर चुके हाँ। उस तो बाद कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक दे विच इस चैप्टर दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिते गए ने। तो बच्चों, मैं अज वाली वीडियो दे विच ये सारे जिहड़े क्वेश्चन आंसर ने इन्हां नूं मैं डिस्कस किया है। तो बेटा, तुहाडे चैप्टर दे एंड दे विच शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिते हुए हैं। इस चैप्टर दे आ मोस्ट फॉरगिविंग एप एलन मूरहेड दा लिखा होया है। एग्जाम दे विच तुहानूं जिहड़ी ए वाली बुक है डियर टू ऑल द म्यूजिज, इहदे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इन्हां दे विचों जिदां दे आपां आंसर लिखे हैं ये तुहाडे एग्जाम च पुछे जाणगे। 2 या 3 नंबर दा ये क्वेश्चन होएगा। जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो कवर करे हैं इस च। पहला क्वेश्चन देखो, देखो ये जिहड़ा तुहानूं पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन तुहानूं लगदा है कि वड्डा है, लेकिन आंसर बड़ा आसान है इहदा। कहिंदे एट द बिगनिंग ऑफ दिस पैसेज, कि जदों चैप्टर शुरू हुंदा उसदे शुरुआत च, एट द बिगनिंग द राइटर सेज दैट वी नो द गोरीला वेरी वैल एंड येट वी डू नॉट नो हिम। लाइन समझो, कहिंदे लेखक कहिंदा है कि सानू गुरीले बारे असी जानते हैं, वेरी वैल बहुत वधिया जानते हैं, अते फिर भी असी उहदे बारे कुछ नहीं जानते। देखो दो गल्लां कह रहे हो कि वी नो द गुरीला वेरी वैल, असी गुरीले नूं जानते हैं वेरी वैल बहुत चंगी तरह, एंड येट अते फिर भी वी डू नॉट नो हिम, असी उहनूं जानते नहीं। ये जिहड़ी गल है थोड़ी जी ना समझ ही नहीं आती भी। एक पासे तां कहिंदा असी गुरीले नूं जानते हैं फिर असी उहनूं जानते नहीं, की गल बनी। क्वेश्चन यही है कि डू यू कंसीडर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और अ पैराडॉक्स, कि की तुसीं ये जिहड़ी राइटर स्टेटमेंट दिंदा है ये बेटा पहली लाइन च ही है चैप्टर दे। जे तुसीं चैप्टर दी पहली लाइन देखो, पैरे दी पहली लाइन, पहले पैरे दी पहली लाइन है द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स इन द अफ्रीकन सीन, वन थिंक्स वन नोज हिम वेरी वैल। पर फिर वो कहिंदा है कि हजे भी असीं इहदे बारे जानदे नहीं। आई गल वो पहली चैप्टर दे शुरू दे पहले पैरे दी पहली लाइन च ही कहिंदा है कि एक बुझारा जी बनी हुई है गोरिल्ला साडे लई। तां इत्थे एक आया शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हुंदा बच्चे, जदों सपोज करो तुसी कोई गल कहो फिर नाल दी नाल उहदे उल्ट गल कह दो, उहनूं कॉन्ट्राडिक्ट करना कहिंदे आ। कोई गल कहो नाल दी नाल उसे गल दे उल्ट भी कोई गल कह दो, उहनूं आपां कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहिंदे आ। नाल ही पुछिआ कि की इह इक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जां इह पैराडॉक्स है। तां पैराडॉक्स तां बच्चे मैं तुहानूं दस्सिआ सी चैप्टर करवाण लगे कि पैराडॉक्स एक अजिही चीज़ नूं कहा जांदा है जिसके बारे जानते हैं कि आप सोचते हैं कि आपां नूं बहुत कुछ पता है पर आप जानते कख नहीं हुंदे उहदे बारे, पैराडॉक्स। तां क्वेश्चन है वाई, क्यों, वट इज़ द टर्म यूज इन द पैसेज टू रेफर टू सच कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन ये नाल ही है कि पैसेज दे विच उस पैरे दे विच केड़ी टर्म यूज हुई है। टर्म का मतलब बच्चे शब्द, केड़ा शब्द यूज होया है जिस दे नाल सानू पता लगता है कि ये जिहड़ी गल है यह कॉन्ट्राडिक्टरी है। केड़ी गल, उही कि असी समझते हैं कि असी गुरीले नूं बहुत चंगी तरह जानते हैं पर जानते भी कुछ नहीं।
बच्चों तुहानू याद होना पहली लाइन च किहड़ा किहड़ा वर्ड आया सी, तुहानू मैं समझाया सी किहड़ा शब्द सीगा वो पैराडॉक्स। तां तीसरे क्वेश्चन दा आंसर तां की है पैराडॉक्स। यही राइटर ने शब्द यूज करया ना, राइटर ने गुरीले लई किहड़ा शब्द यूज करया पैराडॉक्स, कि असी समझदे हां कि गुरीले नू बहुत चंगी तरह जानदे हां पर सानू पता कुछ नहीं उहदे बारे। तां इहदा आंसर की है जी, आंसर असी देखते हैं कि इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कहते एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी दे स्पैलिंग तुसी याद कर सकते हो कॉन्ट्रा पा के उस तो बाद डिक्ट पा के ओ आर वाई पा लो। कॉन्ट्राडिक्टरी जदों आपां कोई गल कहने हैं ते नाल दी नाल उहदे उल्ट भी गल कहने। वी डू नॉट नो मच अबाउट द गोरिलास, असी गोरिलास बारे ज़्यादा चंगी तरह नहीं जानते। मच ज़्यादा है ना, असी ज़्यादा नहीं जानते गोरिला बारे। वी डो नॉट नो अबाउट देयर लाइफ फैमिलीज एंड देयर इंटैलीजेंस, असी उहदी लाइफ बारे नहीं जानते किदां उह जिंदगी बतीत करदा, असी उहनां दीआं फैमिलीज़ बारे नहीं जानते कि उह फैमिलीज़ किवें रहिंदा, अते असी उहनां दी इंटैलीजेंस बारे भी नहीं जानते, असी उहनां दी किन्नी क अकल है किन्नी क उह समझ रखदे ने उहदे बारे भी असी नहीं जानते। तां जिहड़ी टर्म है, द टर्म यूज इन दिस चैप्टर बाय द ऑथर इज पैराडॉक्स, कि इस चीज़ नूं दसन दे लई इस चैप्टर दे विच पहले पैसेज दे विच ऑथर ने लेखक ने जड़ी टर्म यूज कीती है, जड़ा शब्द यूज किया है वो केड़ा है जी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नूं तुसी सिंगल कोट्स च पाना है क्योंकि यह शब्द यूज होया है राइटर द्वारा। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸਚਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੈਟ ਦਾ ਗੋਰੀਲਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲੱਛਣ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੀਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करता है, मतलब कि वो लक्षण सानू इंसानों च भी दिखते हैं अते सानू करैक्टरिस्टिक्स गुरीलास च भी दिखते हैं। बच्चों इहदा पढ़िया आपने चैप्टर च, तुहाडे याद होना यह आपने पढ़िया कि जिहड़ा गुरीला है वो इंसानों वांगू फैमिली च रहिंदा है ना, अपना बैड आप तैयार करता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है। ये सारिया गल्लां बेटा आपां चैप्टर च पढ़िया ने, ये सारिया गल्लां कौन करदा है, गुरीला भी करदा है। तां वो सारिया गल्लां असी इत्थे लिख सकते हैं ईजी लैंग्वेज। तां असी इहदा आंसर की लिखिया कि देर आर सम करैक्टरिस्टिक्स विच आर शेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग्स, कि कुछ लक्षण अजिहे ने जिहड़े कि ह्यूमन बीइंग दे नाल मिलदे जुलदे ने, उहनां नाल शेयर करदा है। इहदा मतलब कि सेम है। द गुरीला लिव इन फैमिली, सब तो पहली लक्षण की है जी कि वह फैमिली च रहिंदा है, सिंपल। दे कैन पेंट पिक्चर्स, वह पिक्चर बना सकता है। याद करो चैप्टर दे विच एक जगह एक विज्ञानी ने दस्या सी कि वह अपनी शैडो के उपर फिंगर प्ले कर रहा सी ना गुरीला, तो उन्होंने एक बार नहीं तीन बारी करते देखा से साइंटिस्ट ने, तो यदा मतलब वो पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग कौन करता है, इंसान भी करता है गुरीला भी करता है। ये दूजी करैक्टरिस्टिक होगी जी सेम है। दे मेक लव, इंसान की तरह प्यार करते हैं कोर्टशिप करते हैं। आप देखा सी एक गुरीला अपनी फीमेल नू हाथ फड़ के लैके जा रहा है, ये काम आम तौर पर कौन करता है, इंसान करता है। दे लिव टूगैदर, कट्ठे रहिंदे ने, ये नहीं है कि जे एक फैमिली उन्हां दी बन गई ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੀਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਲਿਵ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਦੇ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਓਨ ਬੈੱਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੀਲਾ ਮੇਲ ਗੁਰੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਬੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੀਲਾ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
एंड एक गल होर भी है दे टॉक टू दी अदर्स विद जेस्चर्स ओह एक दूजे नाल गल करते हैं दे टॉक गल करते हैं टू दी अदर बाकियां नाल विद जेस्चर्स जेस्चर शब्द का मतलब हुंदा बेटा हाव भाव जिवें आपां गल करते हैं एक दूसरे नाल है ना जो सपोज करो कोई आपने कोई हासी वाली गल करनी हुंदी है तो आप अपने चेहरे पर समाइल लैके आने जो असं दुखी हों अपने चेहरे की रंगत थोड़ी होर तरह की होंगी है इदा के हाव भाव सानू गुरीला दे चेहरे पर भी दिखते हैं उन्होंने टॉक का मतलब यही कि अपने वगू गलबात करते हैं उन्होंने साइन लैंग्एज होंगी है होर तरीके गल करते हैं लेकिन जेस्चर्स होंगे उन्होंने हाव भाव सानू दिखते हैं आप पढ़े थे ना वो लिप्स न करते हैं थोड़ा जा घुमाते हैं गुरीला ये सारे चैप्टर दे हैं जेस्चर्स हैं ये और छाती के उपर ड्रम वगू बीट करना ये जेस्चर्स हैं तो ये सारे जेस्चर्स जड़े ने ये सानू गुरीला नज़र आते हैं साडा सैकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है जी डू यू थिंक गुरीलाज आर वायलेंट डेंजरस एनीमल्स डू यू थिंक की तुसी सोचते हो देखो जदों भी क्वेश्चन बेटा हैल्पिंग वर्ब नाल शुरू हो रहा है डू डू की है हैल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट दे अगे आ गई क्वेश्चन बन गया तो की तुसी सोचते हो कि गुरीलाज जड़े ने यह वायलेंट ने वायलेंट का मतलब हुंदा बेटा जड़ा बंदा तोड़ फोड़ करे है ना डेंजरस एनीमल्स ने एक खतरनाक जानवर ने की तुसी सोचते हो विच ट्रेट गिव द इंप्रैशन दैट दे आ कहिंदे ओ किहड़े ट्रेट्स ने उहनां दे ट्रेट्स भी बच्चे लक्षणां नूं ही कहा जांदा है गुणां नूं कहा जांदा है या कोई खास क्वालिटी नूं कहा जांदा है किसे अंदर होवे कि ओह किहड़े ट्रेट्स ने जिहदे नाल सानूं इह इंप्रैशन मिलदा है सानूं इह लगदा है कि हाँ ओह वायलेंट ने अते डेंजरस ने दैट दे आर दा मतलब इत्थे है कि दे आर डेंजरस एंड वायलेंट क्वेश्चन समझो की है क्वेश्चन ये पूछा गया है पहला तो तुहानूं यस और नो च आंसर पूछा है कि की गुरीला वायलेंट ने डेंजरस ने फिर उस तो बाद तुसी दसो सानू भी जेकर वो वायलेंट या डेंजरस तुहानूं लगदे ने तां वो किहड़े ट्रेट्स ने तुहानूं पता लाओ ज़्यादातर बच्चे आपां चैप्टर च पढ़िया कि गुरीला वायलेंट नहीं ने वायलेंट नहीं है बहुत घट याद करो इन एक्सट्रीमिटी शब्द आया चैप्टर च कि एन सिरे ते जाके जदों नूं लगदा है भी सानू कोई नुकसान पहुंचाऊगा फिर वो थोड़े जे वायलेंट होंदे हैं अदरवाइज वो वायलेंट नहीं है तो आंसर आपां इह लिखना है कि गुरीलाज आर जेंटल एंड पीस लविंग बाय नेचर कि जिहड़े गुरीलाज ने वह जेंटल ने सियाने ने अते पीस लविंग ने शांति पसंद पीस लविंग का मतलब हो गया शांति पसंद ये शांति पसंद ने जानवर ने बाय नेचर सुभा तो वह पीस लविंग ने अते जेंटल ने बट सम टाइम्स दे बिकम वायलेंट पर कदे कदे वायलेंट बन जाते ने फिर वह की करते हैं दैन दे शेक द ट्रीज एंड दे स्ट्रेन इरेक्ट फिर वह ट्रीज नू फड़ के हिलाते हैं जोर नाल आपां चैप्टर च पढ़िया है अते वो एकदम इरैक्ट खड़े हो जाते हैं इरैक्ट का मतलब होंगे बेटा बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं अदरवाइज तो अपने नकल्स नाल चलते हैं आप चैप्टर च पढ़िया वो अपने नकल्स के नाल उठिया के नाल अगे बढ़ते हैं लेकिन जदों वो वायलेंट होंगे ने फिर वह सीधे खड़े हो जाते हैं तो फिर कई बार आपां भी पढ़िया कि अपनी वह ड्रमिंग करते हैं छाती के उपर रोर करते हैं उची उची गजते ने जिहड़ियां फीमेल होंदियां ने उह स्क्रीम करदियां ने चीखदियां ने लिप्स नूं थोड़ा जिहा घुमांदियां ने इदां दीआं चीज़ां पढ़ियां ने जदों वायलेंट होंदियां स्टूडेंट्स मैं प्लस वन अते प्लस टू क्लासिस दे जनरल इंग्लिश अते इलैक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं इन्हां वीडियोज़ नूं देखण दे लई तुसीं यूट्यूब दी सर्च बार ते जाके दीपक सूद लव लर्निंग टू लीड टाइप करो रिजल्ट विच आई पहली साइट दे दीपक सूद दे जाके क्लिक करो तो इस तरह तुसी चैनल ते पहुँच जाओगे जिथे तुसी वीडियोज़ दा एक सैक्शन देखोगे वीडियोज़ ते क्लिक करो तुहानू मेरिया बनाई हुई सारिया वीडियोज़ तुहानू मिल जाएगियाँ इस दे विच प्लस वन प्लस टू दीयां सारिया क्लासिस दीयां जो मैं वीडियोज़ बनाई हैं वो शामिल हैं प्लेलिस्ट वाले सैक्शन ते जाके तुसी सारिया प्लेलिस्ट प्राप्त कर पाओगे जिमें कि क्लास 12 दी प्लेलिस्ट चौथे नंबर ते है इस ते तुसी जाके जदों व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे तो तुहानू क्लास 12 दीयां सारिया वीडियोज़ मिल जाएगियाँ इस तरह तुसी बाकी क्लास 11 उन्हां दी प्लेलिस्ट ते जाके
सारियां वीडियोस प्राप्त कर सकते हो। इस तरह मैं क्लास 11 ते क्लास 12 दी ग्रामर दी वीडियो लिस्ट बनाई हुई है, तो वह सारिया वीडियोस तुहानू प्राप्त हो जाएगियां। तो एक प्लेलिस्ट इंग्लिश इलेक्टिव क्लास 11 की भी है, उस दे विच तुहानू सारिया क्लास 11 दी प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगियां। तो मैं तुहानू सारिया नू अपील करता हाँ कि एक बार तुसी दीपक सूद लव लर्निंग टू लीड चैनल से जरूर विजिट करो। फोर्थ क्वेश्चन, द मेल गुरीला इज हाईली प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हिज फैमिली। कहते जिहड़ा मेल गुरीला हुंदा है वह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुंदा है। प्रोटेक्टिव मतलब रख्या करन वाला, प्रोटेक्शन तो ही बनता बेटा है, प्रोटेक्ट मेन वर्ड इहदा प्रोटेक्ट है, उत्थों प्रोटेक्टिव बन गया। वह रख्या करन वाला है टूवर्ड्स हिज फैमिली, अपनी फैमिली वल, अपनी फैमिली प्रति। ये लाइन का मतलब यह है कि जिहड़ा मेल गुरीला है वह अपने परिवार प्रति बड़ा रख्यात्मक रहिंदा है। How does he indicate this in his behavior and habits? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਰੈਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦ ਮੇਲ ਗੁਰੀਲਾ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ, ਮੇਲ ਗੁਰੀਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੀ ਰੋਰਸ, ਰੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਜਦਾ। ਹੀ ਡਰਮਸ ਹਿਜ ਚੈਸਟ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਡਰਮਸ ਹਿਜ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਜ, ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹਿਜ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਤਰਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਜ ਅ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ, ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਨੂੰ ਅ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਥਰ ਯੂਜ਼ਿਸ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਦਾ ਅਪੈਰੈਂਟ ਸੈਵੇਜਰੀ ਐਂਡ ਬੈਲੀਜਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਆਥਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਆਪਣੀ ਸੈਵੇਜਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੈਵੇਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੈਸ਼ੀਪਣਾ, ਜੰਗਲੀਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਵੇਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਲੀਜਰੈਂਸ ਲੜਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੀਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗਲੀਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਡਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਗੱਜ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲੀਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਹਿਸ਼ੀਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਟੂ ਫੜ ਕੇ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪਰ ਆਥਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭਲਾ ਗੁਰੀਲਾ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਵੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੀਜਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕੁੱਟੂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਕਸਿੰਗ ਊਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਇਹੀ ਗੁਰੀਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਏਪ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਪ ਹੈ ਗੁਰੀਲਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਪ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੰਕੀ ਹੋਏ ਏਪ ਹੋਏ ਗੁਰੀਲਾ ਹੋਏ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਈਵਨ ਕਿ ਮੰਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਹੈ ਦਾ ਮੋਸਟ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਈਏ ਮੰਕੀ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਗੁਰੀਲਾ ਏਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੀਲਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜੈਂਟਲ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਲਿਵਸ ਐਟ ਪੀਸ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਉਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾ ਆਥਰ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬੋਕਸਿੰਗ ਬੋਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਬੋਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਸਟ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਡੋ ਬੋਕਸ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਦੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਟਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਗੁਰੀਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਰੋਮੈਂਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਇਕ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੀਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮੈਂਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਸ ਐਨੀਮਲ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਮੌਨਸਟਰ ਮੌਨਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਰਾਕਸ਼ਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੀਲੇ ਨੂੰ
लेकिन ऐसा ना गुरीला है नहीं। चलो असी आंसर लिख देने, द रीजन फॉर दिस इंटरेस्ट इज दैट वी डू नॉट नो मच अबाउट द गुरीलास। कहते कारण यह है, साड़ी रुचि का कारण यह है, द रीजन फॉर दिस इंटरेस्ट, साड़ी इन्नी रुचि है इस जानवर च, उहदा कारण यह है कि वी डू नॉट नो, सानू पता ही नहीं इहदे बारे। जदों सानू किसी चीज बारे बेटा पता नहीं हुंदा तां साड़ी नैचुरली एक ना तांग जी दिल दी उहदे वल पैदा हो जांदी है कि आपां इहनू जाणीए। वी डू नॉट नो मच अबाउट द गुरीलास, वी वॉन्ट टू नो देयर लाइफ फैमिली एंड इंटैलीजेंस। असी उसकी लाइफ बारे जानना चाहते हैं, असी उसकी फैमिली बारे जानना चाहते हैं, अते उसकी अकल बारे जानना चाहते हैं, किन्ना अकलमंद है। ये चीज़ों के लिए क्योंकि साड़ी एक इच्छा है कि असी इस जानवर बारे जानिए, इस करके साइंटिस्ट विज्ञानी ते रोमांटिक्स पोइट ये जड़े ने इन्हां दी खिच दा कारण बनिया रहिंदा है गुरीला। सैवंथ क्वेश्चन है जी कि वट डज मिस डोनिसथोरपे स्टडी ऑन गुरीला रिवील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि जी मिस डोनिसथोरपे है ना, इसने काफ़ी लंबी स्टडी की है गुरीला पर, डिस्कवरी चैनल पर भी तुम यदिया डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो मिस डोनिसथोरपे दी। कहते जी मिस डोनिसथोरपे से यदि गुरीला के बारे जी स्टडी सी, जो उसने रिसर्च करी गुरीला बारे, वह की रिवील करती है, की दस दी है सानू, उदी स्टडी की दस दी है। आंसर है जी, मिस डोनिसथोरपे स्टडी टेल्स दैट द गुरीलाज आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स। कि मिस डोनिसथोरपे की जी स्टडी है वह सानू दस दी है कि गुरीलाज तो ह्यूमन बीइंग्स वर्गे ने, ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुख, मनुख वर्गे ने। द गुरीलाज लिव इन फैमिली, फैमिली च रहिंदे ने। दे कैन पेंट पिक्चर्स, पिक्चर पेंट कर सकते हैं। दे मेक लव, वो प्यार करते हैं। दे लिव टूगैदर, कट्ठे रहिंदे ने। दे मेक देयर ओन बैड, अपना बैड आप तैयार करते हैं। दे टॉक टू द अदर्स विद जेस्टर्स, एक दूजे नाल वो हाव भाव नाल गल करते हैं। दे आर आ लिंक विद अवर फोर फादर्स, वो साढ़े जिहड़े पूर्वज ने, फोर फादर, फोर फादर्स का मतलब होंदा बेटा पूर्वज, जिहड़े साढ़े पूर्वज ने उन्होंने नाल एक लिंक स्थापित कर दे, एक लिंक की तरह ने। तो उही गल्लां ने जिहड़ियां पहलां आईयां सी, सेम उही लाइनस ने। यही स्टडी जिहड़ी है मिस डोनिसथोरपे दी है। लास्ट क्वेश्चन है जी तुहाडा कि वाई डू लोकल ट्राइब्समैन किल द गुरीलाज इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग इलीगल। तो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट पैरे के विच बच्चे ये जिक्र आंदा है कि गुरीला जिहड़ा है ये ट्राइब्समैन गुरीले नूं जिहड़े ट्राइब्समैन है ये मारते ने, क्यों मारते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्यों लोकल ट्राइब्समैन है जिहड़े कबीला वासी, ट्राइब्समैन का मतलब क्यों बेटा कबीला वासी, कबीला वासी जिहड़े लोकल रहने वाले होंगे ने, वह गुरीलाज नूं क्यों मारते हैं। हालांकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब हालांकि यह इलीगल है, गैर कानूनी है गुरीले नूं मारना। असी पढ़िया ना कि हुण तां इहनूं मारना गैर कानूनी हो गया, ये लास्ट पैरे च आपां चैप्टर दे पढ़िया, लेकिन फिर भी गुरीले नूं मारिया जा रहा है, लोकल ट्राइब्समैन वालों मारिया जा रहा है। क्यों बेटा तुसीं पढ़िया कि देखो हुण गुरीला आपां पढ़िया कि जिहड़ी 8 वोलकैनोज हैं वो वाले एरिए च रहिंदे आ, वो वोलकैनोज तक अपने खेत लै जांदे आ उपर तक। हुण जदों तुसीं उहदे एरिए च आओगे तां फिर वो कुछ ना कुछ तो करूगा ही, तो गुरीला उन्होंने आगे खेतों फिर माड़ी मोटी भन तोड़ करता, तो फिर उन्होंने जोड़े हनी बी बी हाइव जी शहद की करते हैं व्यापार करते हैं, शहद चुरा लेंदा, यह काम होगा ही। तो फिर बदले च जो कोई गुरीला इस तरह करता है फिर उन्होंने ट्रैक डाउन करते हैं, उन्होंने मार देंगे ने पीयर्स भालिया नाल। पढ़िया चैप्टर च आंसर लिखा जी, द ट्राइब्समैन किल द गुरीलाज इफ दे स्पॉयल देयर क्रॉप और लूट द हनी। कबीला वासी गुरीलिया मारते हैं जेकर, इफ जेकर वह इन दिया क्रॉप फसलों स्पॉयल करते हैं, खराब करते हैं, जां और लूट द हनी इन्हों शहद लुट के लै जाते हैं। लूट का मतलब लुटना होंगे। तो चैप्टर के एंड च आपने पढ़िया सी कि जड़ा राइटर है मूरहेड है, तो वह जो गुरीला बारे स्टडी कर गया सी तो उन्होंने उत्थे पता लग्या कि मेरे आने तो पहला किन्ने गुरीले मारते गए थे, 9। असी वह लाइन इतने लिखी है कि 9 गुरीलाज वर किल्ड बाय द ट्राइब्समैन, कि 9 गुरीला उस समय तक जो राइटर ने
उस एरिया च गया वो, उस तो पहला नौ गरीला इसे कारना करके जेडे लोकल कबीला वासी थे उन्होंने ये मारते थे। उम्मीद है स्टूडेंट्स थानू सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। जेकर फिर भी थानू किसी तरह का कोई डाउट है तो तुम मैं कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो। वीडियो के एंड मैं थानू इस चैप्टर के रिलेटिड होर बहुत सारिया वीडियोज़ के लिंक स्क्रीन के उपर प्रोवाइड कर रहा हाँ। नैक्सट वीडियो के आप फिर किसी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलैक्टिव के चैप्टर लैके मिलेंगे। फिर मिलते हैं जी, धन्यवाद।